hard to breathe, but that's alright. अगर मैं वैम्पायर नहीं होती
अगर हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना तो सब मारे जाएंगे। मौसी अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो नाना जी को मनाएंगे कैसे? देखो एक काम करते हैं, तेरा और जीहो पीछे पीछे आएंगे और हम सब ना जाके इन गार्ड से लड़ेंगे, और जैसे ही ये सब रास्ते क्लियर हो जाएंगे देन हम तेरा और जीहो को बुला लेंगे, और अगर हम में से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जीहो है हमें वो हेल्प कर देगा। हाँ ये ठीक रहेगा, और देखो भी लड़ाई वगैरह कुछ नहीं आती है तो उसके पास जीहो को रहना भी चाहिए। फिर ते और जीहो को छोड़ के सब अंदर चले जाते हैं लड़ने के लिए। किंग, तीन अनजान लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। किसका इतना हिम्मत है जो मेरे ऊपर अटैक करेगा? अब भी देखता हूँ उनको। फिर ते के पापा भी आ जाते हैं फाइट करने के लिए। हमेशा खराब ही होते हैं, वो लोग ते के मम्मी को मार दिए थे। फिर ते के पापा उनके और ते की मम्मी के बारे में बताते हैं। मैं एक वैम्पायर था और तेरी मम्मी एक नॉर्मल ह्यूमन थी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जब ये सब बातें नॉर्मल ह्यूमंस को पता चला देन वो लोग तेरे मम्मी को मार दिए। अपने हाथों से तेरी मम्मी की लाश को मैं पकड़ के लाया था, तो सोच मुझे कैसा लग रहा होगा। जब ये सारे ह्यूमंस वैम्पायर बन जाएंगे तब तो ये किसी को अलग ही नहीं कर सकते, सब सबका प्यार कंप्लीट हो जाएगा। पर पापा ये सब करने से कुछ नहीं बदलने वाला है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। वो वैम्पायर हो या ह्यूमन हो, अगर किसी को अलग करना है ना तो वो अलग कर ही लेंगे। उसके बदले आप दो लवर्स को मिलाइए ना, जो हो चुका है उस वजह से आप इतनी तकलीफ में क्यों रह रहे हैं? और कुछ इंसानों की गलती के वजह से आप सारे इंसानों को क्यों सजा दे रहे हैं? प्लीज पापा ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरे लिए एक ही विश कह रही हूँ आपसे इतने दिनों के बाद, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ते, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी वजह से मैं और मेरी मम्मी हमेशा पापा से अलग रहे, मैं आप दोनों को ना कभी माफ नहीं कर सकता। सुखा जी सुनिए, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं देखती हूँ, डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ते मैं अभी उनको देख के आती हूँ। मम्मी पापा का हालत खराब हो रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और फ्यूचर में किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं तो शायद पापा नहीं जी हो, मैं चंकू को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे ठीक कर दूंगी। चलो जल्दी से फ्यूचर में चलते हैं। तभी जंगकुक बेहोश हो जाता है, पर ते को लगता है कि जंगकुक मर गया है। जंगकुक क्या हुआ तुम्हें? उठो ना जंगकुक, अगर मेरा जंगकुक नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। फिर ते खुद को मारने जाती है। नहीं ते रुक जा, जंगकुक ठीक हो सकता है, यहीं पे ही ठीक हो सकता है, वो मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और वो ठीक हो सकता है,
मैं तुम्हें बताता हूँ वो कैसे ठीक होगा। क्या शंकु ठीक हो सकता है? बताइए ना पापा, कैसे ठीक हो सकता है? मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, आप जो भी बोलेंगे मैं कर दूंगी। पर उसे बचा लीजिए पापा प्लीज। तुम्हें अपना ब्लड पिलाना पड़ेगा जंगकुक को, उसके बाद ही वो ठीक हो सकता है। क्या? पापा आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कोई ब्लड पी के ठीक कैसे हो सकता है? हाँ, वो हम सबका ब्लड पी के ठीक नहीं हो सकता है, पर तुम्हारा ब्लड पी के वो ठीक हो सकता है। पर कैसे पापा? तुम्हारी ब्लड प्योर ब्लड है, क्योंकि तुम पूरी तरीके से वैम्पायर नहीं हो और तुम आधा ह्यूमन और आधा वैम्पायर हो, इसलिए तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है। और प्योर ब्लड किसी भी दवाई से कम नहीं है, वो कुछ भी ठीक कर सकती है। क्या प्योर ब्लड? ये किस टाइप का ब्लड है? आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारी मम्मी एक ह्यूमन थी और मैं एक वैम्पायर, इसलिए तुम आधा ह्यूमन और आधी वैम्पायर हो, और इस टाइप के ब्लड को हम प्योर ब्लड बोलते हैं। और प्योर ब्लड किसी भी टाइप का बीमारी को ठीक कर सकता है और किसी भी टाइप का घाव को भी ठीक कर सकता है। तो क्या ये ब्लड सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास भी नहीं है? नहीं, तुम्हारे बेटे के अंदर भी प्योर ब्लड है, क्योंकि तुम एक आधा वैम्पायर और आधा ह्यूमन हो और जंगकुक फुल वैम्पायर है, इसलिए उसके पास भी प्योर ब्लड है। तो मैं जंगकुक को कैसे पिलाऊंगी मेरी ब्लड? तुम्हें अपना वेन कट करके जंगकुक को ब्लड पिलाना पड़ेगा। फिर ते अपनी वेन कट करने के लिए रेडी हो जाती है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कीजिए, ये सब बातें झूठ भी हो सकती है और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। आप ऐसा मत कीजिए, मैं जंगकुक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसे ठीक करने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। फिर ते अपना वेन कट कर लेती है और वो ब्लड लेके जंगकुक को पिलाती है। चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे सारंगी।